डिवाइन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस साल गणेश महोत्सव का त्यौहार 22 अगस्त शनिवार के दिन शुरू हुआ था और गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन 1 सितंबर 2020 मंगलवार को मनाया जाएगा। इन 10 दिनों में भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और प्रतिदिन उनकी मनपसंद चीज़ों का भगवान गणेश को भोग लगाया जाता है। 11वें दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना को जितना महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व भगवान गणेश के विसर्जन को भी दिया जाता है। माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन से 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11वें दिन तक विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद भगवान गणेश का विसर्जन करते हैं। इन सभी दिनों में कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर विसर्जन किया जाता है, लेकिन अगर आप 11वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे हैं तो इसे करने के लिए शुभ मुहूर्त का जानना और सही विधि का जानना बेहद ज़रूरी है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त होगा 1 सितंबर को सुबह 9:10 से दोपहर 1:56 तक। दोपहर के मुहूर्त की बात की जाए तो दोपहर में 3:32 से शाम 5:07 तक शुभ मुहूर्त होगा और शाम के मुहूर्त की यदि बात की जाए तो 8:07 से 9:32 तक शुभ मुहूर्त हैं। तो पूरे दिन में ये 3 मुहूर्त होंगे और विसर्जन किस प्रकार किया जाता है ये भी आपको बता देते हैं। भगवान गणेश का विसर्जन करने से पहले आप भगवान गणेश की उसी प्रकार से पूजा करें जैसे आप गणेश चतुर्थी से लेकर अब तक करते आए हैं। उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं, इसके बाद स्वच्छ पाटा लें, उसे गंगाजल या गौमूत्र से पवित्र करें और घर की स्त्री उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, उस पर अक्षत रखें। इस पाटे पर एक गुलाबी, लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद उस पाटे पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखेरें और उस वस्त्र के चारों कोनों पर सुपारी रखें। इसके बाद भगवान गणेश की जय घोष करें और उन्हें अपनी स्थापना वाले स्थान से उठाएं और इस पाटे पर विराजित करें और साथ ही साथ उनके साथ फल, फूल, वस्त्र, दक्षिणा और 5 मोदक रखें। ये सभी चीज़ें रखने के बाद एक छोटी सी लकड़ी लें, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांधें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखें। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे भगवान गणेश को रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जहां पर भी आप भगवान गणेश का विसर्जन कर रहे हैं वहां विसर्जन से पहले कपूर से उनकी आरती करें, भगवान गणेश की खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे उनका आशीर्वाद मांगें। इसके बाद 10 दिनों तक पूजा या अन्य किसी प्रकार की जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उसकी क्षमा याचना करें। आपको भगवान गणेश जी का विसर्जन करते समय उनकी प्रतिमा को फेंकना नहीं है बल्कि उन्हें आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और सभी सामग्रियों के साथ धीरे धीरे विसर्जित करना है। अगर आपने घर में ही इको फ्रेंडली गणपति विराजित किए थे तो आप उन्हें घर में ही किसी स्वच्छ बर्तन में पानी डालकर विसर्जित कर सकते हैं और इस पानी को बाद में आप गमलों में या फिर किसी साफ ज़मीन पर साफ मिट्टी में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान के साथ आप गणेश विसर्जन कर सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि आप किस प्रकार अपने ही घर में पूरे विधि विधान से गणेश विसर्जन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके काम आएगी और आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डिवाइन कोश को और देखते रहें डिवाइन कोश।